अरे पीलू भैया, बहुत दिन हुए कहानी सुने, आज कोई अच्छी सी कहानी सुना दो यार। ठीक है लालू, मैं तुझे आज लालची कुत्ते की कहानी सुनाऊंगा। एक गांव में एक लालची कुत्ता रहता था। वो गांव में घूम घूम कर खाने की तलाश करता रहता था। वो इतना लालची था कि उसे जितना खाने को मिलता था उसे कम लगता था। गांव के दूसरे कुत्तों के साथ उसकी पहले अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसके स्वभाव की वजह से वो भी उसे छोड़कर चले गए। लेकिन इससे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका पूरा ध्यान उसे उसके भोजन पर रहता था और गांव में कोई भी उसे थोड़ा खाना दे देता था। इसकी वजह से उसे दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एक दिन उसे एक हड्डी मिली। उस हड्डी को देखकर उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन में सोचता रहा कि इस हड्डी को मैं अकेले ही चट कर जाऊंगा। यह सोचकर वो हड्डी उठाकर गांव से जंगल की ओर चलने लगा। तभी उसे जंगल की तरफ एक लकड़ी का पुल पार करना था। वो उस पुल के ऊपर गया, तभी उसे नीचे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखा और उस प्रतिबिंब के मुंह में हड्डी देखकर उसका मन ललचाया। उसे लगा कि यह हड्डी भी मैं इस कुत्ते से छीन लूँगा। यह सोचकर वह उस कुत्ते पर भौंकने लगा। जैसे ही उसने उस कुत्ते पर भौंका, उसके मुंह में जो हड्डी थी वो पानी में गिर गई। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। तो लालू, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत ही बुरा होता है। लालच करने से कई बार हमारा नुकसान भी हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।